ऐसे एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद जो आपके इनर थाई का फैट है वो कम होने लगेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे आउटसाइड थाई पे फैट तो होता है, सेम हमारे इनर थाइस पे भी बहुत ज्यादा फैट होता है, जिसके कारण सभी को चलने में दिक्कत होती है, काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, हमारे इनर थाइस पे रैशेस पड़ने लग जाते हैं। सो गाइस, मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाली हूं, इन एक्सरसाइज को करने के बाद आपके जो इनर थाई का फैट है वो कम होने लगेगा, एंड जिसके ऑलरेडी कम है तो इन एक्सरसाइज से उनके जो थाइस की शेप एकदम परफेक्ट शेप आ जाएगी। एंड मेरे जो आज का जो आपको करवाने वाली हूँ, अगर मेरी इन एक्सरसाइज को आप रेगुलर 15 डेज भी फॉलो करते हैं तो आपको अपनी बॉडी पे बहुत ही जल्द रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को राइट साइड टर्न करके देन अपने राइट हैंड की एल्बो बेंड करनी है, देन हम अपने लेफ्ट लेग को हमें राइट लेग के अपसाइड रखना है, नी बेंड करके रखना है, देन हमें अपने राइट लेग को अपसाइड उठाना है। इसको आपने राइट साइड आपने 15 के सेट्स करने हैं। सेम आपने लेफ्ट लेग को यूज करना है, राइट लेग को अपसाइड रखना है लेफ्ट लेग के, आपको लेफ्ट भी 15 के सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को वॉल पर रखना है, दोनों लेग की नी बेंड करनी है, देन अपसाइड रखना है। फर्स्ट हमें अपने लेग को ओपन करना है, देन जॉइंट, इसको भी आपने 15 के 4 सेट्स करने हैं। कोई भी एक्सरसाइज आपको गलत नहीं करनी है, ना ही आपको कोई एक्सरसाइज फास्ट करनी है, स्लो स्लो करना है। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को अपसाइड उठाना है, देन ओपन करना है। फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के अपसाइड क्रॉस करना है, देन ओपन। सेम हमें अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के अपसाइड क्रॉस करना है, देन ओपन। इसको भी आपने 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को राइट साइड टर्न करना है, देन अपने दोनों लेग की नी को बेंड करके रखना है, हमें अपने दोनों लेग की हमें फुट अपसाइड उठा के ही रखना है। देन फर्स्ट हमें अपने लेफ्ट लेग को यूज करना है, लेफ्ट लेग को हमें अप देन डाउन करना है। लेफ्ट साइड आपको
राइट लेग से करना है। राइट साइड में आपको 15 के हुक सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग की नी बेंड करनी है, देन अपने फीट के बल लेटना है, अपने दोनों लेग के हमें फुट को जॉइन करके रखना है, देन हमें अपने अपने थाइस को दोनों लेग के थाइस को ओपन करके रखना है, हमें अपनी बॉडी को अपसाइड उठाना है, देन डाउन, अगेन सेम, अगेन डाउन। इसको आपने 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग की नी बेंड करके फ्लोर पर रखना है। फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को आउट साइड ले जाना है, देन वापस लाके हमें बैक साइड ले जाना है। हमें राइट साइड 15 के सेट्स करने हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट होती है। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैट पे लेटना है, उल्टा होकर लेटना है, देन अपने दोनों लेग को हमें जॉइन करके रखना है, अपने बॉडी को अपसाइड ही उठा के रखना है। इसमें हमें अपने दोनों लेग की नी बेंड करनी है, देन अपने दोनों लेग को हमें बैक साइड डाउन करना है। तो भी आपने 15 के 4 सेट्स करने हैं। सबसे पहले हमें फीट के बल लेटना है, देन अपने लेफ्ट लेग की नी को बेंड करके हमें राइट लेग को लेफ्ट लेग के अपसाइड रखना है, राइट लेग को
देन अपने लेफ्ट लेग को होल्ड करके रखना है 30 सेकंड तक। सेम आपको लेफ्ट लेग का यूज करना है, राइट लेग को अपसाइड करना है। राइट साइड भी 30 सेकंड तक करना है। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आप चाहते हैं आपके इनर थाई का फैट कम हो जाए तो आपको मेरी इन एक्सरसाइज को रेगुलर फॉलो करना है जैसे मैंने किया है, सेम आपको मुझे फॉलो करना है, कोई गलत एक्सरसाइज नहीं करनी है। एंड अगर आपके इनर थाई का फैट ज्यादा है तो आप टाइट कपड़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करें। जब आपके इनर थाई का फैट कम हो जाएगा तो आप जो मर्जी पहनिए। सो गाइस आज मैंने जो आपको करवाया है, अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाली किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी न्यू एक्सरसाइज के साथ। अभी के लिए बाय बाय।